आप भी मार्केट वाली केमिकल वाली ब्लीच को यूज नहीं कर पाते क्योंकि आपकी स्किन बहुत ही सेंसिटिव है। अगर आप यूज करते हैं तो उससे आपकी स्किन पर रैशेस पड़ जाते हैं या आपको बहुत ज्यादा इचिंग होने लगती है फेस पर। तो आज मैं आपके लिए एक नेचुरल होममेड ब्लीच की रेमेडी लेकर आई हूँ। ये ब्लीच बहुत ही अच्छी होती है और ये बिल्कुल भी स्किन पर हार्श नहीं होती। तो मैं पिंकी त्यागी आपका अपने इस वीडियो में स्वागत करती हूँ। ये नेचुरल ब्लीच हम घर की बेसिक चीजों से तैयार करेंगे और ये बेसिक चीज सभी के घर में अवेलेबल रहती है। जी हाँ, आज जो मैं आपके साथ नेचुरल ब्लीच की रेमेडी शेयर कर रही हूँ इसमें हम आलू का यूज करेंगे और आलू सबके घर में इजिली अवेलेबल रहता है। ये नेचुरल ब्लीच स्किन से डार्क स्पॉट्स को रिमूव करेगी, स्किन पर अगर काले घेरे आ गए आंखों के नीचे उन्हें रिमूव करेगी, स्किन को ब्राइटर लुक देगी। तो चलिए देखते हैं कि हम घर पर किस तरीके से बेसिक चीजों से अपनी नेचुरल ब्लीच को तैयार करेंगे और उसे कैसे हमें यूज करना है। यहाँ पर मैंने एक छोटा आलू लिया है। सबसे पहले इसे हम अच्छे से पील कर लेंगे, उसके बाद इसे वॉश करके कद्दूकस में हमें ये घिसना है। इसे अच्छे से घिसने के बाद जो ये ग्रेटेड पार्ट हमें मिला है इसे हम छलनी से छान लेंगे क्योंकि हमें अपना फेस पैक बनाने के लिए आलू का जूस चाहिए। आलू के जूस में स्टार्च पाया जाता है जो स्किन पर होने वाले डार्क स्पॉट्स को रिमूव करता है, अगर आँखों के नीचे काले घेरे आ गए उन्हें रिमूव करता है। इसके बाद यहाँ मैंने इसमें एक चम्मच बेसन, आधा चम्मच ग्लिसरीन और एक चम्मच एलोवेरा जेल मिक्स किया है। इन सबको अच्छे से मिक्स करके हमें एक स्मूथ सा पेस्ट तैयार कर लेना है। अगर इतना लगे तो इसमें थोड़ा बेसन और ऐड कर सकते हैं। उसके बाद अपना फेस क्लीन करें, इसे अपने फेस पर अच्छी तरह से अप्लाई कर लें और करीब 15 से 20 मिनट के बाद ये फेस पैक सूखने लगेगा। उसके बाद अपने फेस पर पानी स्प्रिंकल करें और 1 से 2 मिनट मसाज करते हुए अपना फेस वॉश कर लें। इससे स्किन पर जो डार्क स्पॉट्स हैं वो रिमूव होते हैं, स्किन क्रिस्टल क्लियर ग्लोइंग। तो देखा आपने, हमने कितने ही आसान तरीके से घर पर मिलने वाली बेसिक चीजों से अपनी नेचुरल ब्लीच को तैयार किया है और ये नेचुरल ब्लीच हमारी स्किन को ब्राइटर लुक देगी, स्किन से डार्क स्पॉट्स और अंडर आई डार्क सर्कल्स को रिमूव कर देगी और ये मार्केट वाली केमिकल वाली ब्लीच की तरह स्किन पर हार्श भी नहीं होगी। तो एक बार इस नेचुरल ब्लीच को अपने घर पर जरूर ट्राई करें और अपने रिजल्ट मेरे साथ शेयर करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, ये नेचुरल ब्लीच की रेमेडी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।